तो बात करते हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के नोट्स की यार। तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, साइटोपिनिया देखने को मिलता है यार, और क्या डिस्प्लाजिया है ना, मेजर सेल लाइंस के अंदर डिस्प्लाजिया हो सकता है वन या फिर मोर देन वन सेल लाइंस के ऊपर, सो डिस प्लाजिया इन वन और मोर देन वन सेल लाइन, यहाँ पे इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस देखने को मिल सकता है। और क्या इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। इटियोलॉजी की बात करें तो क्यों देखने को मिल सकता है यार हमारे पास माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, इट कैन बी ड्यू टू इडियोपैथिक कस या फिर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, या फिर कीमोथेरेपी की वजह से। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है वो डेवलप कैसे करता है, सो जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं वहाँ पे मैचुरेशन डिफेक्ट देखने को मिलता है, मैचुरेशन डिफेक्ट इन ब्लास्ट सेल्स, जिससे क्या बनते हैं भाई, इमैच्योर ब्लास्ट बन जाते हैं, एंड ये जो इमैच्योर ब्लास्ट सेल का नंबर है वो बढ़ जाता है, दैट इज़ मोर देन 20, जनरली लेस देन 20% होता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ गया भाई, जिससे क्या देखने को मिलता है, पैन साइटोपिनिया। ओके क्लिनिकल फीचर्स अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है यार, जनरली मोर देन 60 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन है, एंड अगर डिक्रीज हो गया आरबीसी का लेवल तो क्या देखने को मिलेगा, पैलर देखने को मिलेगा, इंसान जल्दी थक जाएगा दैट इज़ फटीग, कमज़ोर महसूस करेगा दैट इज़ वीकनेस, एंड अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो डब्ल्यूबीसी कम होने की वजह से रिस्क बढ़ जाएगा किसका, इन्फेक्शन का, एंड प्लेटलेट कम होने की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ओके तो क्लिनिकल फीचर्स की बात की यार, नाउ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम का, सो आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, और क्या इरिथ्रोपोएटिन है ना वीकली लगाते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन थ्रो पोइटिन वीकली लगाते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन अगर सीवियर न्यूट्रोपिनिया हो गया तो सीवियर न्यूट्रोपिनिया केस में हम क्या करते हैं, माइलॉइड ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं जैसे कि GCSF, एंड प्रोग्रेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, प्रोग्रेशन टू ल्यूकेमिया, जो जनरली यहाँ पे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया हो जाता है उसको प्रोग्रेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, एज अ सिटीडीन देते हैं, एंड और क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, विच इज़ दी ओनली क्यूरेटिव थेरेपी, बाकी सब तो है सिम्टम्स को रिलीव करने के थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट क्यूरेटिव तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन थेरेपी ही है। तो देखो ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में यार 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट की बात की,